स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल डिस्कस इंडिकेटर्स ऑफ डायनामिक्स इन फिशरीज रिसोर्सेज। व्हाट डज इट मीन? इंडिकेटर्स मींस हु इंडिकेट्स, इंडिकेटर्स मींस हु इंडिकेट्स समथिंग अबाउट समथिंग। हियर डायनामिक्स ऑफ फिशरी रिसोर्सेज मींस इंडिकेटर्स हु इंडिकेट्स अबाउट चेंज इन फिशरी रिसोर्सेज, अबाउट फिशरी रिसोर्सेज। सो टूडे वी विल टॉक अबाउट इंडिकेटर्स ऑफ डायनामिक इन फिशरी रिसोर्सेज। So what is indicator? Indicators is nothing but data or combination of data for the purpose of analytical purpose or policy purpose. So indicators, different types of indicators is there, like socio-economic indicators. You know socio-economic indicators like GDP. GDP is indicating something like Human Development Index, HDI. So these are socio-economic indicators. Some are ecological indicator, who that indicates about status of ecology or environment. Some indicators like biological indicators. So we talk about, today we talk about indicators who indicates about fisheries resources. What is declining population or it is growing population? So some indicators we will talk about, some indicators who indicates about fish resources, status of fish resources. So basically indicators should be practical and cost effective. Means it is cost effective, not too much cost, and it measure, it is relevant, and it measure all the steps of development of fishery resources. So this objective of the indicators is to find out the status of fishery resources, which will help to manage the fishery resources. For sustainable development, these indicators is required. How? Because in sustainable development, we have to know what is the status of fisheries resources and where we are and where we should be. So what is sustainable development? It is generally defined as being development that meets the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs. Bina future generation ke need ko compromise kiye bina present need ko fulfill karna hi sustainable development hai. Theek hai? To ye sustainable development mein indicators, jo different types ke indicators hain, jo ki fisheries रिसोर्स के मैनेजमेंट में यूजफुल है, उसका एक अहम रोल है। इन फिशरीज सेक्टर द यूज ऑफ बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स इन डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एसेसमेंट। जब हम फिश का एसेसमेंट करते हैं कोई पॉपुलेशन का, मान लो कोई लेक है, अब उस लेक का हम एसेसमेंट करेंगे तो सम हाउ वी यूज सम इंडिकेटर्स लाइक MSY, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, या फिर क्या है रेशियो, क्या है मतलब, जैसे अब हम मेराइन की बात करें, पेलाजिक और डिमार्सल फिश का रेशियो क्या है, इस टाइप के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। बायोमास रेशियो क्या है, उसके बाद रिलेटिव बायोमास क्या है, ये सब जो इंडिकेटर्स हैं उसका हम यूज करते हैं जब हम फिशरीज रिसोर्स का मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन फिशरीज रिसोर्स इंडिकेटर्स के लिए कुछ क्रिटेरिया है,
क्या क्रिटेरिया है? पहला कि इट इज गुड इंडिकेटर आर इजिली मेजर्ड, जो अच्छा इंडिकेटर है वो आसानी से मेजर किया जा सकता है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, उसमें जैसे हमने कोई इंडिकेटर हमको डेवलप करना है, अब वो इंडिकेटर को डेवलप करने में हमें कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा लग रहा है, इतना ज्यादा कॉस्ट लग रहा है कि उतना का फिशरी रिसोर्सेज भी नहीं हो, तो हम वैसे इंडिकेटर को यूजफुल, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सो इंडिकेटर मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा बात, इट इज इजिली इंटरप्रेटेड, मतलब अब इंडिकेटर्स का मीनिंग क्या है, जैसे अब GDP 4 का मतलब क्या है, उसे हम आसानी से, ऐसा इंडिकेटर जिसे हम आसानी से इंटरप्रेट कर सकें। मान लो कोई जैसे उसका रेशियो आया, पेलाजिक और डिमोर्सल के बीच का रेशियो आया कुछ, तो उस रेशियो का मतलब क्या है, उसको आसानी से इंटरप्रेट किया जा सके, ये गुड इंडिकेटर्स का कुछ क्वालिटी है। ठीक है, हालांकि कुछ इंडिकेटर्स कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जिसमें बहुत सारे डाटा का रिक्वायरमेंट होते हैं और डाटा क्वालिटी भी ज्यादा होना चाहिए। तो आज हम कुछ इंडिकेटर्स की बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर। इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर मीन्स इंडिकेटर्स बिलोंग्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट। इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट जैसे आप हमने बताया, जैसे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए इंडिकेटर है, वो है सोशल इंडिकेटर। जैसे GDP है या GNP है या फिर वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI है। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे हैं जो के आते हैं इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर में। So this economic and social indicator must have policy relevance. Policy relevance means policy से उसका relation होना चाहिए, related to policy होना चाहिए indicators. अब हम वैसे indicators use नहीं करेंगे जिसका policy से कोई relevance नहीं है। अगर वो relevance नहीं है उसका, तो वो हमारे लिए useful नहीं है। पहला है जो इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर शुड प्रोवाइड बैलेंस कवरेज ऑफ सम ऑफ द की इशू ऑफ कॉमन कंसर्न, जो कि अब जो वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस में जो कि कॉमन कंसर्न है, जो कि कॉमन जो क्या प्रॉब्लम्स है, उस पे बेस्ड होना चाहिए इंडिकेटर। ठीक है, जैसे जो कि कॉमन है, जैसे OECD कंट्रीज में, OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD में बहुत सारे मेजर कंट्री आते हैं, जैसे लगभग 37 कंट्रीज हैं OECD में, जैसे जापान है, जर्मनी है, US है, UK है, उसके बाद इजराइल है, बहुत सारे जो वेल परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं वो सब OECD में आते हैं। इसका जो स्थापना लगभग 60th century में हुआ है। ठीक है, तो जो उस मतलब OECD में जो कंसर्न है, कॉमन कंसर्न है, उस पे बेस्ड होना चाहिए आपका इंडिकेटर। दूसरा, हमने पहले ही बताया, It should be easy to interpret, उसका हम आसानी से इंटरप्रेट कर सकें। तीसरा, हम इसको कंपैरिजन कर सकें, जैसे आप GDP सिर्फ इंडिया का होगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, मान लो GDP है 6 है और बाकी किसी कंट्री का GDP हमारे पास नहीं है, तो उससे हमारा कंपैरिजन नहीं होगा, वो कुछ और इंडिकेटर यूज करेगा, तो हम कैसे ये मानेंगे कि हम ग्रोइंग कंट्री है और वो जो है कोई डेवलप कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्री है। तो ये जो इंडिकेटर है उससे हम कंपैरिजन कर सके, मतलब वो जो है वाइडली एक्सेप्टेबल हो, ऐसा हो, और जो डाटा हम उसमें यूज करें वो डाटा सारे कंट्री में अवेलेबल हो, ताकि हम उससे कंपैरिजन कर सकें। पांचवा है कि जो हमारा इंडेक्स है, जो हम इंडेक्स यूज करेंगे इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स,
वो जो है डिफरेंट नेशन के थ्रू एडॉप्टेड किया जा सके, ऐसा उसमें कुछ ना हो जिसकी वजह से वो एडॉप्ट नहीं कर सके। तो ये सब जो है इंडिकेटर, गुड इंडिकेटर्स का प्रॉपर्टीज है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिकेटर, अब जैसे हमको निकालना है जीडीपी, अब जीडीपी के लिए क्या क्या डाटा चाहिए, डाटा रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या है, वो डाटा अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। सो डाटा अवेलेबिलिटी जो है वो इंडिकेटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मान लो कोई ऐसा इंडिकेटर हम डेवलप किए जिसके लिए जो डाटा चाहिए वो अवेलेबल नहीं है और वो बहुत डिफिकल्ट है, तो वो इंडिकेटर हम नहीं यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो डाटा अवेलेबिलिटी भी एक काउज है। अब है इंडिकेटर हम क्यों यूज करते हैं, हम इंडिकेटर यूज करते हैं जैसे हमको किसी जो रिसोर्स, जैसे फिशरीज रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इंडिकेटर हम यूज क्या करते हैं, उसका स्टेटस जानने के लिए पहला। दूसरा, कोई परफॉर्म, कोई सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। मान लो अभी हम बोल रहे हैं एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है 4%, ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ है 6%, या फिर इंडस्ट्री का सेक्टर का ग्रोथ है 6%, तो उसका परफॉर्मेंस का एसेसमेंट कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस का एसेसमेंट हम इंडिकेटर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा, हम कोई पॉलिसी यूज करें, मान लो फिशरीज पॉलिसी के लिए हमने सस्टेनेबल फिशरीज पॉलिसी यूज किया, तो जो सस्टेनेबल फिशरी पॉलिसी है उसका इंपैक्ट का एसेसमेंट कैसे करेंगे, उसका इंपैक्ट का एसेसमेंट करने के लिए भी हमें सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर चाहिए, उसका क्या सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसके उससे इनकम में कितना वृद्धि हुआ, या फिर उससे और दूसरे क्या बेनिफिट्स हुए, तो पॉलिसी का जो असेसमेंट करने के लिए भी चाहिए। चौथा, मैनेजमेंट करने के लिए भी चाहिए। अब हमें स्टॉक के बारे में पता चलेगा, मान लो जैसे एक हम मेराइन एनवायरमेंट लेते हैं, जैसे जो हमारा कोस्टल इकोसिस्टम है, कोस्टल इकोसिस्टम में कौन सा फिश डोमिनेंट है, उसका जो उसमें जो है जो उसका एज एट मैच्योरिटी क्या है, ठीक है, उसका ग्रोथ मैच्योरिटी क्या है, उसका लेंथ क्या है, तो उसके कुछ इंडिकेटर हम सेलेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हम वो पॉपुलेशन को जो है डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको ठीक तरह से मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो ये हमारा जो है इंडिकेटर्स का रोल है, इसलिए हमें इंडिकेटर्स चाहिए। अब है हम एक और तो मेनली बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स ऑफ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। अब जैसे है, पहला है रिलेटिव बायोमास। रिलेटिव बायोमास इंडिकेट एक क्या है, इकोलॉजिकल इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है, हम कौन सा पॉपुलेशन कहाँ पे अबुंडेंट है, कहाँ पे कौन सा पॉपुलेशन कम है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉपुलेशन का, ये हम जानते हैं इससे, रिलेटिव बायोमास से, ठीक। रिलेटिव बायोमास से हम जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसमें भी कौन सा हैबिटेट है, किसके लिए है, बेंथिक है, कहाँ पे फ्लोरा है, फौना है, ये सारा चीज हम रिलेटिव बायोमास के थ्रू। कैन बी रिप्लेस्ड इटसेल्फ इज मेजर्ड बाय बायोमास रेशियो, मतलब एक जो लिविंग मेटेरियल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग लिविंग हो गया है, LEAVI, लिविंग मेटेरियल मतलब जो जीवित मेटेरियल, LIVING, ठीक है, लिविंग मेटेरियल जो है वो कितना जल्दी वो अपने आप को रिप्लेस कर लेता है, वो पुराना हटके नया हो जाता है, उसको मेजर करते हैं हम बायोमास रेशियो से, ठीक है। बायोमास रेशियो इसके थ्रू जैसे पीसी भोर और प्लैंकटोनी भोर का रेशियो क्या है,
या पेलाजिक और डिमोर्सल का रेशियो क्या है, ये भी एक इंडिकेशन है। आप मान लो पेलाजिक और डिमोर्सल के बीच का रेशियो हमको जो है 1.1:2 आया, मतलब डिमोर्सल जो है वहां पे अबुंडेंस जो है वो इकोसिस्टम में डिमोर्सल का ज्यादा है और पेलाजिक का कम है। इस तरह से हम वहां के पॉपुलेशन और स्टॉक के बारे में जानते हैं। दूसरा है साइज स्पेक्ट्रा। साइज स्पेक्ट्रा क्या है? साइज स्पेक्ट्रा है ये जो है रिलेशनशिप बताता है जो पर्टिकुलर स्पीसीज का ग्रोथ और उसका अबुंडेंस, ठीक है, उसका जो कितना ग्रोथ है एक पर्टिकुलर स्पीसीज का और उसका कितना अबुंडेंस है, उसका साइज क्या है और उसका अबुंडेंस क्या है, वो दोनों के बीच रिलेशनशिप बनाता है, बताता है साइज स्पेक्ट्रा। इससे भी हमें जो मैनेजमेंट में सुविधा होती है। तीसरा है मैक्सिमम और मीन लेंथ। अब कोई भी जैसे है कोई फिश सबसे अधिक कितना लेंथ, मैक्सिमम कितना लेंथ उसका बढ़ सकता है, ठीक है, और उसका मीन लेंथ क्या है, इस इंडिकेटर मान लो हर जो स्पीसीज के लिए जो मैक्सिमम जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मैच्योरिटी है, जो उसका एवरेज लेंथ है वो अलग अलग होता है। तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि इस स्पीसीज का साइज ये है। तो आप मान लो वो उस स्पीसी उसको मैनेजमेंट एस्पेक्ट में सुविधा होती है कि हाँ इसको इसका मैच्योरिटी स्टेज जो है अभी नहीं आया है, हम इसको ना पकड़ें, चाहे जो भी है वो मैनेजमेंट एस्पेक्ट में हेल्प करता है, मैक्सिमम या मीन लेंथ या एवरेज लेंथ। सर टोटल, हाँ बताओ सर, लार्ज पॉपुलेशन रहता है तो कैसे निकालता होगा साइज स्पेक्ट्रा? लार्ज पॉपुलेशन है तो कैसे निकालता होगा, कैलकुलेट करता होगा साइज स्पेक्ट्रा कैसे कैलकुलेट करता होगा? नहीं साइज जैसे साइज स्पेक्ट्रा मतलब है एक पॉपुलेशन, जैसे एक एनवायरनमेंट जैसे एक लेक लिया, ठीक है, एक लेक में जो मान लो उसमें जो है कॉमन कार्प का पॉपुलेशन है, ठीक है, कॉमन कार्प का जो साइज क्या है, ठीक है, और उसका अबुंडेंस, अबुंडेंस कैसे जानेंगे, उसका जो स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज है उसमें जो सैंपलिंग डिफरेंट सैंपलिंग करेंगे वो डिफरेंट स्पीसीज में कॉमन कार्प कितना है, कितना अबुंडेंस है, मान लो 10 में एक है 6 में एक है, उस टाइप से उसका रिलेशनशिप निकालता है इसमें साइज स्पेक्ट्रा में। समझ में आया? यस सर। एक फिश का जो अबुंडेंस कितना है वो और उसका साइज कितना है उसमें रिलेशनशिप करके साइज स्पेक्ट्रा निकालता है। अब है टोटल फिशरीज रिमूवल, मतलब एक कोई भी स्टॉक से या फिर कोई एक इकोसिस्टम से कितना बायोमास को रिमूव कर सकते हैं। वो बायोमास रिमूव का मतलब एक तो हम कैच में निकालते हैं, कैच मान लो हम कैच कर रहे हैं टूना का, जो टूना का जब हम कैच कर रहे हैं टूना के साथ और भी कुछ दूसरा चीज आया, बाय कैच बोलते हैं जिसको, कुछ दूसरा फिश आया उसको भी लिए और कुछ ऐसा चीज आया जिसको हम डिस्कार्ड कर दिए, तो टोटल फिश रिमूवल जो है वो टोटल कैच प्लस बाय कैच प्लस डिस्कार्ड, ये हुआ। मतलब एक जो एनवायरमेंट है एक पर्टिकुलर स्टॉक से हम कितना फिश रिमूवल हुआ, ये कैसे हेल्प करता है, ये ऐसे हेल्प करता है कि हम उससे एक एनवायरमेंट से कितना फिश निकाल रहे हैं और उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना है, तो दोनों में रिलेशनशिप निकालने में ये हेल्पफुल होता है। मतलब जैसे वो रिप्लेस, जैसे हम जो निकाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा होगा उसके जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के एस्पेक्ट में, तो वो जो स्टॉक है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, डिप्लीशन हो जाएगा। अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा है जितना हम निकाल रहे हैं उससे, तो उससे ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा वो एरिया, ठीक है, तो वो चीज को मैनेज करने हैं टोटल फिशरीज रिमूवल हेल्प करता है। पांचवा है डायवर्सिटी। डायवर्सिटी हम कैसे निकालते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना नंबर ऑफ स्पीसीज है, स्पीसीज को काउंट करते हैं, वो डायवर्सिटी होता है। डायवर्सिटी अगर ज्यादा है तो हम समझते हैं कि वो इकोलॉजी जो है वहां का इकोलॉजिकल सिस्टम अच्छा है, ठीक है।
अब है साइज एट मैच्योरिटी, साइज ऑफ मैच्योरिटी, जैसे डिफरेंट जो है, जिसे आप ये देखा होगा मूली, मूली देखा है, मूली छोटा सा जो काला जैसा फिश होता है, अब उसका साइज ऑफ मैच्योरिटी बहुत कम होता है, ठीक है। टूना का देखोगे उसका साइज ऑफ मैच्योरिटी ज्यादा होता है। तो डिफरेंट जो स्पीसीज है उसका साइज ऑफ मैच्योरिटी डिफरेंट होता है, और साइज ऑफ मैच्योरिटी भी जो है डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर पे, ठीक है। अभी जो कुछ स्पीसीज का जो है साइज ऑफ मैच्योरिटी दिनों दिन कम होता जा रहा है ड्यू टू ओवर कैचिंग और ओवर फिशिंग, ठीक है। तो साइज ऑफ मैच्योरिटी जो है डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट होता है, तो उस वजह से भी हमें फिश को मैनेजमेंट करने में सुविधा होती है। ये भी एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि यूजफुल है फिशरी रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। अब बायोफिजिकल, बायोफिजिकल में क्या आएगा, मैंने बताया था बायोफिजिकल साइकिल, साइकिल बताया था, उसी प्रकार बायोफिजिकल में क्या क्या आता है, क्लोरोफिल आता है, डिजॉल्व इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन आता है, लेवल ऑफ कंटामिनेटेड आता है, कंटामिनेंट आता है, ये सब भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अब क्लोरोफिल का अगर अमाउंट ज्यादा हो रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ज्यादा है उससे क्या होगा, तो ये सब जो है इंडिकेटर्स हैं, जो कि जैसे हमको अब मान लो एक जो कोई इकोसिस्टम है जिसमें जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है वो हमको टारगेट पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसका जो बाय साइड बाय जो चीज है उसको हम मेजर करते हैं, जो जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल अब ज्यादा है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, इस टाइप से हम उसको रिलेट करते हैं, और कुछ इस तरह से भी हम फिशरी रिसोर्स का मैनेजमेंट करते हैं और स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। अब है फिशरी इंडिकेटर्स एंड डाटा सोर्सेस, जो फिशरीज का को इंडिकेट करता है उसके लिए कुछ डाटा सोर्सेस हैं, और सबसे पहली बात हम बताएं जो भी इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स में कुछ हमें डाटा का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे हमने बताया जैसे जीडीपी तुम मेजर कर रहे हो, जीडीपी में हमको क्या क्या चाहिए कि एक साल में जो है कितना गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है, कितना प्राइवेट सेक्टर का परफॉर्मेंस है, ठीक है, कितना बाहर से आया जीएनपी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सारा जो डाटा है, डाटा जो मैन है उसी से वो इंडिकेटर बना है। तो जो क्या क्या डाटा चाहिए, वो डाटा का रिक्वायरमेंट क्या है किस पर्टिकुलर इंडिकेटर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम जो आज बात करेंगे वो कुछ फिशरीज इंडिकेटर्स की बात करें और उससे रिलेटेड जो डाटा का सोर्स है उसकी बात करें। पहला है टीएसी। टीएसी क्या है, टोटल अलाउबल कैच, मतलब कितना आप मैक्सिमम कैच कर सकते हैं। ये ईयू यूरोपियन कंट्रीज में जो है एक रूल्स है, रूल्स क्या है कि आप उसका फिक्स है कि आप मैक्सिमम इतना ही कैच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टीएसी, टोटल अलाउबल कैच, इतना अलाउड है आपको, इतना ही आप कैच कर सकते हैं, ठीक है, टीएसी है। कोटाज है कि आप हर आदमी के लिए, जो हर जो सोसाइटी के लिए कुछ कोटाज है उतना ही आप फिश पकड़ सकते हैं, इससे क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर के लिए यूजफुल होता है। दूसरा है क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ लैंडिंग बाय स्पीसीज। अब हम ये क्या इंडिकेट करता है, अब क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ लैंडिंग, अब मान लो एक जो जैसे मैं महाराष्ट्र कोस्ट लिया, महाराष्ट्र कोस्ट में हम देख रहे हैं बॉम्बे डक जो है आजकल थोड़ा कम आ रहा है, कैच जो आ रहा है वो कम आ रहा है, थोड़ा जो स्पीसीज का साइज है वो भी थोड़ा छोटा ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है हमारा स्टॉक जो है डिप्लीशन में है, डिप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है,
ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर है। अब उस जो एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, मेल कितना है, फीमेल कितना है, कैप्चर कैप्चर फिशरीज में कितना है, एक्वा कल्चर में कितना है, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कितना है, ये सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि इतना परसेंट लोग, जैसे बोलते हैं ना, इतना क्या बोलते हैं, जो इतना परसेंट लोग जो है फिशरी सेक्टर पे अपना लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं, उससे उसका सेक्टर का इंपॉर्टेंस पता चलता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर है। अगला है फ्लीट कैपेसिटी। फ्लीट कैपेसिटी क्या है? नंबर ऑफ पोर्ट, एक बोट, कितना बोट जो एक दिन में ऑपरेट कर रहा है उसका कैपेसिटी क्या है, फ्लीट कैपेसिटी क्या है। ठीक है, और फ्लीट कैपेसिटी हम जो कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस टनेज और ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज, पढ़ा है एनीवन? ग्रॉस टनेज और ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज पढ़ा है क्राफ्ट टेक्नोलॉजी में? है अमृत्य? यस सर, पढ़े तो है, नाम पढ़े, पढ़ा है। ग्रॉस टनेज और ग्रॉस रजिस्टर क्या है, थोड़ा बहुत तो बता सकता है गोल मोल करके भी? सर शिप से रिलेटेड है, माल। हाँ हाँ, वो तो है, वो जो होता है। हाँ हाँ, वही जो कि उसका जो कैरिंग कैपेसिटी, उसका जो कैपेसिटी होगा इंटरनल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, इंटरनल जो वॉल्यूम है ना इनर साइड का कैपेसिटी, उसमें हाँ, तो जो कैपेसिटी बोल रहे हैं ना, जो कैरिंग वो है नेट टनेज। ठीक है, ग्रॉस टनेज मतलब है इनर जो वॉल्यूम है पूरा। ठीक है, अच्छा ग्रॉस टनेज और ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज में कौन छोटा कौन बड़ा होता है, कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है? ग्रॉस टनेज ज्यादा होता है सर, बड़ा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, खड़े हो? ठीक है, लेकिन ये सब सर आप बता दीजिए सर। ग्रॉस टनेज हमेशा थोड़ा सा, ग्रॉस टनेज हमेशा थोड़ा सा कम होता है ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज से। ठीक है, अगला है कौन? एक मिनट, अगला है क्या? अगला है क्वांटिटी एंड ग्रॉस, जो ग्रॉस टनेज है ना, ग्रॉस टनेज में जो है जो हल है ना, हल वाला पार्ट जो है, आउटर साइड हल वाला जो पार्ट है ना, वो इंक्लूड नहीं होता है, वहां से इधर होता है, और ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज में जो है वो पार्ट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा सा कम होता है। अगला है क्वांटिटी, अब अगला है क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ एक्वाकल्चर प्रोडक्शन बाय स्पीशीज। अब क्वांटिटी और वैल्यू एक्वाकल्चर प्रोडक्शन का क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कौन सा एरिया में कौन सा स्पीशीज का, किसका आवाज आ रहा है, कौन सा एरिया में कौन सा स्पीशीज का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगला है रिक्रेशनल फिशरीज। क्या रिक्रेशनल फिशरीज क्या है, कोई बता सकते हो? यस सर, गेम फिशिंग। हाँ, गेम फिशिंग। तो हाँ, रिक्रेशनल फिशरीज में आप जैसे नंबर ऑफ पीपल कितना इन्वॉल्व है वो रिक्रेशनल फिशरीज में, कितना एक्टिव जो है वुमेन उसमें इन्वॉल्व है, वो बताता है कि वो रिक्रेशनल फिशरीज का क्या इंपॉर्टेंस है उस एरिया में। ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर्स है। ठीक है, और है अगला ट्रेड इन फीस एंड प्रोडक्ट। अब कौन सा फीस का ट्रेड कितना ज्यादा हो रहा है, कौन सा जो फीस को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा इंपोर्ट कर रहे हैं, ये उसके अबुंडेंस के बारे में बताता है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो हमारा जितना हमारा डिमांड है उससे ज्यादा है, हम उसके लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड भी, ट्रेड ऑफ फिस और फिस प्रोडक्ट जो है वो भी एक इंडिकेटर्स है। अगला है गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांसफर रिलेटिंग टू द मेराइन कैप्चर
एक्वाकल्चर एंड प्रोसेसिंग सेक्टर। आप बॉम्बे जो है जो डिफरेंट सेक्टर में जो अपना फाइनेंस जो डिफरेंट शेयर देता है ना, मान लो जो इतना इतना रुपीज इसके डेवलपमेंट में, इतना रुपीज इतना इसके डेवलपमेंट, वो इंपोर्टेंस के अनुसार जो है डिफरेंट सेक्टर में अपना रुपीज देता है गवर्नमेंट, तो वो उसके इंपोर्टेंस के आधार पर देता है। ये भी एक इंडिकेटर्स है। लास्ट है स्टेटस ऑफ फिश स्टॉक। फिश स्टॉक का स्टेटस क्या है, ठीक है, वो डिप्लीशन डिप्लीशन कर रहा है, ओवरफिशिंग है, या फिर स्टॉक वर्जिन स्टॉक है, वो क्या है, वो भी एक इंडिकेटर्स है जो जो कि हमें मैनेज फिशरीज रिसोर्स को मैनेजमेंट करने में सहायता करता है। इसके अलावा जो है पीएसआर, पीएसआर फ्रेमवर्क का नाम सुना है कोई? नहीं सर। पीएसआर नहीं सुना। यस सर। पी मतलब हुआ प्रेशर, एस मतलब हुआ स्टेटस, आर मतलब हुआ रिस्पांस। अब देखो प्रेशर, कोई भी इकोसिस्टम पे कितना प्रेशर है, प्रेशर कैसे होगा, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, उस पे कितना प्रेशर है, कितना लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, कितना उसमें हो रहा है, वो प्रेशर हुआ। स्टेटस, अब वो इकोसिस्टम का स्टेटस क्या है, कितना उसमें क्षमता है, क्या स्टेटस है, और अगर हम वो प्रेशर को, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, जो हमारा इकोसिस्टम उसका रिस्पॉन्स क्या है, तो वो उसको बोलते हैं पीएसआर फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क भी जो है एक यूजफुल टूल्स है फिशरीज रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये है हमारा सोर्स जो रिफरेंसेस। थैंक यू। अब किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछो। सर पीएसआर इंस्टीट्यूशन है कोई? नहीं नहीं, PSR मतलब हुआ प्रेशर, स्टेटस एंड रिस्पांस, ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब कोई मेथड होता है ना, जैसे कोई हाँ कोई मैनेजमेंट का तरीका होता है, हाँ वो एक जो इंडिकेटर्स है, कितना प्रेशर है, कितना स्टेटस है, क्या रिस्पांस है, ठीक है, वो हम मैनेजमेंट टूल्स, एक टूल्स है PSR फ्रेमवर्क है, ठीक है। yes. और किसी को कोई दिक्कत है सर? फिर सब जितने भी इंडिकेटर तो सब तो डेवलप हो गया है सर, अब तो कोई नया इंडिकेटर तो नहीं बनता होगा? बना सकते हो, तुम बना सकते हो, काम कर सकते हो। देखो जैसे हम इकोनॉमिक्स में जैसे बहुत सारा इंडिकेटर्स है वेलफेयर को मापने के लिए, सोसाइटी कितना वेलफेयर है उसको मापने के लिए बहुत सारा इंडिकेटर्स बना। पहले जीडीपी आया, जीएनपी आया, उसके बाद पर कैपिटा इनकम आया, तो उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया बोला नहीं पर कैपिटा इनकम से हम उसका वेलफेयर नहीं माप सकते, उसके लिए और भी चीज चाहिए। उसके बाद आया जो ह्यूमन जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया, उसके बाद पॉवर्टी इंडेक्स आया, बहुत सारा इंडेक्स का डेवलपमेंट हो, सब अपना अपना जो है जिस रिक्वायरमेंट के अनुसार डेवलप करता है इंडेक्स जब जरूरत होता है। तुम भी डेवलप कर सकते हो, अगर ऐसे होगा सब तुम्हें फॉलो करेगा, है ना, जैसे HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, उसी प्रकार है, तुम भी डेवलप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो बंद होता है, सब वो सब चीज है चलते रहता है, रिसर्च कभी बंद नहीं होता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है, ठीक है। और भी कुछ होगा जैसे अभी बोलता है ना लाइकेन, जहां पे हो वहां पे जो माना जाता है वो इकोसिस्टम जो है अच्छा है, इस टाइप से वो तो कोई तो खोज किया होगा, उसी प्रकार कोई ऐसा स्पीसीज आएगा जो पता चलेगा कि वो जहां पे होता है उसके साथ इस पर्टिकुलर फिश का पॉपुलेशन एसोसिएटेड होता है, तो वो भी एक इंडिकेटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो चलता रहेगा, जब नया नया बात आएगा सामने तो वो पब्लिश करेगा, वो एक इंडिकेटर हो जाएगा, समझ आया। अब कोई ऐसा पौधा है जहां पे ज्यादा कॉपर है वहां पे उगता है, वो इंडिकेटर हो गया इकोलॉजिकल इंडिकेटर, ठीक है, तो वो जहां पे उगा मतलब वहां पे जो है ज्यादा कॉपर है मिट्टी में, समझ आया। Yes, sir. तो इस टाइप से इंडिकेट डेवलप हो सकता है आगे भी, ठीक है, करने वाले हो तो करो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, थैंक यू।